हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। एंड यहाँ पर वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप लीग का पहला मैच खेला जाएगा इस सीज़न का, न्यूजीलैंड वर्सेस नॉर्वे के बीच, जो कि पहला मैच अमेजिंग होने वाला है। एक तरफ न्यूजीलैंड भिड़ेगी और एक तरफ नॉर्वे बीट करेगी इनको। सो देखते हैं क्या होता है इस मैच में। 12:30 टीम आएगी। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें, देखिए न्यूजीलैंड एंड नॉर्वे की, तो मैं आपको एक रीज़न बता सकता हूँ कि क्या है ना, न्यूजीलैंड और नॉर्वे का ये जो मैच हो रहा है, इस मैच के अंदर ना कॉन्टेस्ट अगर आप ज्वाइन करते हैं ना, तो कोशिश कीजिए कि आपको 4 मेंबर कॉन्टेस्ट की प्रैक्टिस होनी चाहिए मेरी नज़र में। ठीक है, मैं वो नहीं कह रहा, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम पर ऐसा लग रहा है कि आपको दिक्कत आ सकती है। अब मैं क्लियरली तो वीडियो में नहीं बोलूँगा, मैंने सब कुछ क्लियर बोला है, जाकर मेरी टेलीग्राम पे वीडियो ऑडियो सुन लेना। ठीक है, इसमें क्लियर नहीं बोलूँगा, मैं आपको समझा दूँगा बाकी क्या है। तो बात करें देखिए स्ट्राइकिंग की, नॉर्वे टीम यहाँ पर मैं कहूँगा अभी तक तो फाड़ू रही है। हर बार, मतलब हर सीज़न नॉर्वे का एक ऐसा सीज़न होता है, कुछ नया रूप, कुछ नया रंग लेके आते हैं, कुछ नई लीग्स में, मैंने कुछ ऐसी लीग्स के अंदर नॉर्वे को खेलते देखे जहाँ पर बहुत अच्छा खेलते हैं लोग, इसलिए मैं यहाँ पर नॉर्वे की एक अलग से, मतलब मैं पूरा फेवर करूँगा। तो मैं ग्राहम को लूँगा सबसे पहले। देखिए सी ग्राहम हैंसन, ये प्लेयर मतलब अमेजिंग, अभी जब भी पीछे अभी लीग्स चल रही थी जिसमें इंटरनेशनल लेवल का कोई नामो निशान नहीं था, मैं छोटी क्लब लीग की बात कर रहा हूँ, जिसमें ग्राहम ने फुल फॉर्म में थी लड़की, पीछे इंजर्ड भी रही है लेकिन अब ठीक है। और हैगरबर्ग की बात करें, अच्छी है, लेकिन अभी हैगरबर्ग की जगह मैं कहूँगा हॉक को लो, क्योंकि ये हॉक को एक बड़ा खिलाड़ी मानते हैं नॉर्वे की, तो इस ये बनती है भाई लेना, इसलिए मैं आपको यही कहूँगा। और एक आपको एक बात बतानी थी, कई लोग बोलेंगे भाई आपने वीडियो काफ़ी छोटी बनाई है, वैसे तो आप 8-9 मिनट की बनाते हो ऐसी सीरीज़ की, क्या है ना गाइस, अभी मेरे को भी नहीं पता कि लाइनअप्स किस बेस पे आएंगी। ठीक है, तो जब तक लाइनअप कंफर्म ना हो तब तक मैं आपको राय दूंगा कि आपको अभी प्लेयर की नॉलेज है ना, वही बहुत बड़ी बात है। अब हमें प्लेयर का कम से कम पता तो है ना कि कौन क्या है, और पता भी है कि पिछले मैच में क्या करती आ रही, तो वो बहुत बड़ी बात है। लाइनअप्स अभी मायने नहीं रखती, लाइनअप्स 1 घंटा पहले आ जाएंगी, तब तक ऐसा है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। और आगे से बात करें विलिंगसन की, हाँ न्यूजीलैंड की खिलाड़ी मुझे सही लगती है, हाना विलिंगसन, लेकिन वो इनके टक्कर की नहीं है, ऐसे मैं बोलूँ कि वो नॉर्वे को टक्कर देगी, हाँ एक आध गोल तो कोई भी कर देता है, मैं उस बात की बात नहीं कर रहा, लेकिन टक्कर देगी नहीं देगी ये कहना मुश्किल है। मिडफील्डिंग की बात करें, देखिए यहाँ पर लूँगा जी रिटन को, और जी रितान के बाद लूँगा एफ मानम, क्योंकि मानम बहुत अच्छा खेल रही थी अभी पीछे, डोमेस्टिक लीग में इतना अच्छा खेला है, और इंटरनेशनल के जो पिछले इंटरनेशनल लीग के मैच थे इंटरनेशनल फ्रेंडली में, वहाँ पर इतना बढ़िया खेल के आई लड़की, इतना बढ़िया खेला है इन्होंने। और बाकी जो इनकी खिलाड़ी हैं वो ब्लैकस्टेड अच्छी है, ब्लैकस्टेड बहुत अच्छी है, बड़े खेलेगी तो मैं लूँगा, अभी तो कुछ नहीं पता। एंड बात करें मिडफील्डिंग की, तो देखिए मिडफील्डिंग के अंदर क्या है ना, मैंने न्यूजीलैंड को सिर्फ हारते देखे है लगभग बड़ी लीग्स में, तो मैं ऐसे देखिए मेरे लिए कहना है बहुत बड़ी बात होगी कि मैं इसको ले रहा हूँ, तो मेरे को मतलब कुछ है नहीं इससे, कुछ मतलब कि मेरे को कुछ उम्मीद कि पैर की बल कुछ करेगी, ये टीम में लेने वाली बात है। ठीक है, ये मेरी मजबूरी है। अब आप कहो कि तू हैसेट को भी ले, तो ना जी ना, थैंक्स तो मैं तो नहीं ले रहा, क्योंकि मैं तो चांस को लेना चाह रहा था, लेकिन जब मैंने ओलिविया चांस का थोड़ा सा गिरावट देखी तो मैंने कहा चल भाई छोड़, डिफेंडर पर ले लेंगे रिस्क, और यहाँ पर लेंगे पहले मझेल्डे को, जो कि नॉर्वे की एक खतरनाक खिलाड़ी है। आगे से जो हमारी और भी ऑप्शंस हैं भाई, तो यहाँ पर क्या कि हो सकता है 3 डिफेंडर के ऊपर ही खेलें, तो मैं यहाँ पर तभी ना बर्चफेंड, और अभी आप क्या कीजिए हैंसन को सेव कर लीजिए, अभी आप ना सॉन्स्टेवोल्ड के बारे में सोचिए मत, एंजा सॉन्स्टेवोल्ड खेलेगी तो हम जरूर लेंगे, जब तक नहीं पता तब तक मैं कहूँगा रिस्क लेने का सवाल नहीं उठता। और एक जो आपने प्लेयर बढ़ानी है वो या तो आप मिडफील्डर ले लो न्यूजीलैंड की, या आप कोई डिफेंडर ले लो। देखो मेरा दिल डिफेंडिंग के साथ जा रहा है आज, वरना मैं डिफेंडर पर इतना भरोसा करता नहीं, लेकिन ठीक है जब दिल कह रहा है, जब दिमाग कह रहा है तो मैं रिस्क लूँगा, दिल का नहीं दिमाग। एंड बात करें गोल कीपिंग, यहाँ पर है नेलर, इनकी बड़ी प्लेयर है, तो न्यूजीलैंड की जब भी प्लेयर फिट होती है तो मैक्सिमम मैचेस खेलती है, तो मैं तो चाहता हूँ खेल ले यार। ठीक है, बात करें कैप्टन की, अपनी कैप्टन देखिए जो है वो है ग्राहम हैंसन, वाइस कैप्टन मानम या हॉक में से कोई रखूंगा, अभी हॉक के साथ चले जाओ, बाकी रिटर्न भी अच्छी है। अब ऑप्शन तो बहुत हैं भाई, ऐसे तो आप थक जाओगे सोच सोच के, आप तो मैं तो कहूँगा वाइस कैप्टन एक बार में फाइनल कर लो, जो होगा देखा जाएगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।